आंध्र प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी रे जत्ते पिला माने भी बीएड करुछंती जो माने भी सेकंड सेमेस्टर अप्लाई करिया को जाउछंती सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुक रो यूनिट 4 रो आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन होची आ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अछि मु बहुत थोर कहिछि जे यूनिट 3 आ 4 रो लॉन्ग क्वेश्चन बेसी पड़ जाए ठीक अछि तो सेति पई कि आमे माने एई क्वेश्चन टा को माइंडफुली देखिबा ये क्वेश्चन फास्ट टू लास्ट जाए देखा कहीं भी ताको स्किप करवा ना सो चलो तो स्टार्ट करवा कौन अच्छी ना स्पेशल एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड द स्पेशल नीड्स एजुकेशन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु डिफर सोशियली मेंटली और फिजिकली फ्रॉम द एवरेज टू सच एक्सटेंट दैट दे रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ यूजुअल स्कूल प्रैक्टिस सो पिलाने स्पेशल एजुकेशन बोली कहाँ को कहिबा ना जो एजुकेशन टा स्पेशल नीड जो पिलामानकर अछि तांको पई डिजाइन करा जाइथिबो ताको स्पेशल एजुकेशन बोली कहिबा एबे हला जे स्पेशल नीड को पिलामानकर अछि ना जो पिलामाने नॉर्मल पिलामानकर थारो डिफरेंट हेथिबे मे बी सोशियली डिफरेंट हेथिबे और मेंटली डिफरेंट हेथिबे और फिजिकली डिफरेंट हेथिबे सेमानको आमे कहिबा स्पेशल चाइल्ड आउ सेई पिलामानकर थाए स्पेशल नीड आउ सेई नीड को फुलफिल करिवा पई कि हमर गोटे एजुकेशन रो प्लान हेथाय जाको कह जाय स्पेशल एजुकेशन ठीक अच्छे सो एबे तुम्हें कह सोशियली डिफरेंट माने कौन सोशियली डिफरेंट माने सपोज किसी ट्राइबल ग्रुप अच्छा तुम्हें जमी गोटे सभ्य सोसाइटी रोच टाउनशिप रोच सेमती रो ना सपोज से गोटे पहाड़िया अंचल रोचे कौन से गोटे जगार से मयूरभ कौन से जगार रोचे गोटे पहाड़िया अंचल गोटे ट्राइबल ग्रुप है मयूरभ टाउन रोकों कथा मुझे जदि पहाड़िया अंचल रोचे लेट से मलकानगिरी कौन से ट्राइबल ग्रुप गोटे अच्छा पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप तुम जाच आम राज्य में बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप अच्छा केउछर भी किसी ट्राइबल ग्रुप अच्छा एमती कि आम डुबुरी एरिया जोटा रही कल्याण नगर एरिया जोटा कौन जाजपुर आसे से भी किसी अच्छा सो जो ट्राइबल ग्रुप गुड़ाक स्पेशली अच्छा से मैंने कौन होता ना सोशियाली डिफरेन्ट होता भाषा तक कल्चर तक रहीबार शैली डिफरेन्ट होता है सो से कि जदि आम गोटे एजुकेशन व्यवस्था करवा स्पेशल नीड को दृष्टि रखिकी तेल से हम स्पेशल एजुकेशन सेमती मेंटली जो मैंने अलग मे बी दे आर गिफ्टेड मैंने हाई आई क्यू से मे बी दे आर स्लो लर्नर्स और इम्बेसाइल जहाँ को कहते मैंने बहुत कम होकर आई क्यू मेंटली रिट्रार्डेड इल होते जो मैंने आउ कि फिजिकली सपोज जमीक अंध मुख बधिर मानने जदि हाथ गोड़ कहार पोलियो होम्प्यूट होक्सीडेट्रु से सब आम फिजिकली हैंडिकाप कैटेगोरी रखा आम एजुकेशन कि स्पेशल व्यवस्था मान कर स्पेशल एजुकेशन कहुए देख रेड्रे जो जिन लिखाई कौन लिखाई देयर आर 13 कैटेगोरीज ऑफ स्पेशल एजुकेशन आज डिफाइंड बाय द इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट IDEA IDEA रो फुल फॉर्म मन रखिबो IDEA रो फुल फॉर्म पिला माने कोडी पड़े इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट एटा कोडी पड़े ना हमरो OTT CTT टाइप रो एग्जाम रे पड़े देन आसला इन ऑर्डर टू क्वालिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स जदि तुम्हारा अच्छे से गुड़ाक सब कौन कौन अच्छी 13 जिनस अच्छी कहला ना 13 जाक जिनस पढ़ीदे 13 जाक जिनस पिला माने कौन गोटे है ऑटिज्म पिला माने एगुड़ाक कौन तुम्हारे एक्चुअली जानवा दरकार नहीं फोर्थ सेमेस्टर रे या विषय आमर अच्छी इनक्लूसिव एजुकेशन बही आम पढ़ा किंतु एबे खाली तुमको जनवाई मुझे एगुड़ाक कौन ऑटिज्म माने हला जो माने सोशियली टिके एक्टिव हुंती नाही माने मुह को चाहे कथा हेनि इंट्रोवर्ट हेथिबे से माने माने कौन माने टिके सोशियल हबाको पसंद करू नथिबे बेसी लोक आसिले तांको भल लागु नथिबो कथा कहला बेलू टिके माने अलग टाइप रो कहूथिबे तमे देखिथिबो माय नेम इज खान रे जो शाहरुख खान रो गोटे मूवी थिला शाहरुख खान एंड काजोल शाहरुख खान जो प्रकार क्यारेक्टरटा प्ले करथिला दैट इज ऑटिज्म देन आसला ब्लाइंडनेस तमे जान अंध काबिल मूवी रे जेंती ऋतिक रोशन आउ जो आमर कौन यामी गौतम हेथिले अंध ब्लाइंड देन आसला डिफनेस जोठी सुना जाए सुना जाए मैंने काल होता जो मैंने देन आसला इमोशनाल डिस्टर्बेन्स जो मैं थाए पाने तुम्हें जाच जो जदि छोट छोट शिशु सेजरे शुशु करती तेल से कमन कितु जदि तुम्हें जान 10-12 वर्ष पिलाटे भी सेजरे शुशु करदे तुम जान जो सी इमोशनाली डिस्टर्ब अच्छे बुझिपार्च से किसी रोग में ना सी पार्टी करवा चिलेवा नुहे से इमोशनाली डिस्टर्ब अच्छे सो इमोशनाल डिस्टर्बेन्स आहुरी भी बहुत जिनस हुए जमीक तुम्हें देखी थो जो तुम से कौन जो आ गोटे फिल्म अच्छी आमर कैटरीना आउ यार जो कौन रणबीर कपूर जो थे जब से तेरे नैना मेरे नैनो से लागे रे जो सॉन्गटा अच्छी से कौन से नहीं 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 सही सॉन्ग अच्छे कि नहीं मोर मन पड़े
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ୟାର କି ନୈୟା ହେ ରାମ କେ ଭରୋସେ, ସେଇ ସଙ୍ଗରେ ସେଇ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ, କ'ଣ ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଅଜବ ପ୍ରେମ କି ଗଜବ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ ଷ୍ଟାମର୍ କରୁଥିବେ, ସୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥାଏ ସେମାନେ ଷ୍ଟାମର୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା କହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ହିୟରିଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ହିୟରିଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫ୍ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ, ଲାଳ ଗଡ଼ଉଥିବେ ମୁଁ ପାଟିରୁ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ବକା ଭଳିଆ ଚାହିଁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି, ମାନେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ପୋଲିଓ ମାଇଲିଟିସ୍ ବି ତାକୁ ଅଛି, ସେଇ ପିଲାଟା ଡିଫ୍ କି ସେଇ ପିଲାଟା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଡିସାବିଲିଟି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋଟର ଅର୍ଗାନ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ନ କାମ କରେ, ସପୋଜ୍ ହାତ ଦୁଇଟା କି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯଦି ନ କାମ କରୁଛି, କି ମାନେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ୟୋର୍ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯାଏ, ସପୋଜ୍ କାହାର କାହାର କେବଳ ପଢ଼ିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାହାର କାହାର କେବଳ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନର ଛୁଆଦିନେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ବେମାରୀ ଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସ୍ପିଚ୍ ଅର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ କଥା କହିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିଛି ପିଲା ଦେଖିଥିବ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ପାଟି ଲାଗୁଥିବ, ମାନେ ଦଶକୁ କହିଥିବେ ଦତ ତଥ ଏମିତି କହୁଥିବେ, ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ପିଚ୍ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅଦର୍ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି, ମାନେ କିଛି କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ରୋଗିଣା ହେଇଥିବେ, ବାର ବାର ଟିବି ହେଉଥିବ, କି ବାର ବାର କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଅଦର୍ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ବା କାହାକୁ ଦେଖିଥିବ ଆଲଜେମର୍ସ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼କୋର୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟ୍ରମାଟିକ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସକ୍ ପାଇକି ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେଲା, କି ନିଜର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ଦେଖିଦେଲା, କି ମାଆ ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଆକୁ କୌଣସି ସକ୍ ଲାଗିଲା, କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଛୁଆକୁ, ଛୁଆ ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ଛୁଆକୁ ସକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଏତେ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି କି ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି, ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍। ସୋ ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତୁମର ଏଲାବୋରେଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମମାନେ ବିଲକୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିବ, କିଛି ଆଦେହରେ ମାନେ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଆରି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କଲି ନା, ଗୋଟେ ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଡିସାବଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ 100% ସିଓର ସର୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଇଏ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହୁଏତ ତୁମର 5 ମାର୍କିଆ ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମର ପଡ଼ିବ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସୋ ଦେଖ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଫର୍ ଡିସାବଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ନୋ ପର୍ସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ଡିସାବଲ୍ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅନ୍ଟଚେବୁଲ୍। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବି ଧର ଡିଜେବଲ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲିକା କେବେ ବି ଟ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ ପନିଶେବଲ୍ ଇନ୍ ଆକୋର୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 17। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 17 ଆମର କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ। ଲିବର୍ଟି ଇଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 ଫର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଲିବର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21ରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ 1995 ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଟିଲ୍ ଆଟେନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18। ଶୁଣ, ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା ହେଇଥିଲେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା। ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ରଖିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 26ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ ଆକ୍ଟ ଇନିସିଏଟେଡ଼୍ ଇନ୍ 1995 ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଇନ୍ 1998। ଏଇ ଆକ୍ଟଟା 1995ରେ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଲା, 1998ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, 1995ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାଇନୋରିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଥିରେ ଯିବ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଭିତରେ ମାଇନୋରିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଯିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲେଖା, ଆଉ ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଢ଼ୁଛି ମାଇନୋରିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଲେଖା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଢ଼େନି ମାଇନୋରିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍ଟା, ସୋ ଏଇଟା ଉପରେ ଏମିତି ପଢ଼େନି, ଏଇଟା ଉପରେ ୟୁଜୁଆଲି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଢ଼େ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଉପରେ ହିଁ ପଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ତୁମକୁ ମାଇନୋରିଟି ଏଜୁକେସନ୍
कॉन्स्टिट्यूशन लिखा पड़ो फास्ट तुम्हें आर्टिकल 30 लिख कौन ना 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स दैट ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज शाल हाव एस एच ए एल एट डबल एल हो स्पेलिंग एरर हो जाए बहुत जल्दी जल्दी लेखार ये सब असुविधा होती मुझे बार बार कहूँ ताधर तुमने मतलब मेसेज कर दौ मैम बहुत स्पेलींग एरर अच्छे कौन करी केमती कौन करी कह देन आसा राइट टू एस्टाब्लीश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इनट्यूशन फर देयर चॉइस है जो मैंने भी आम माइनोरीटी अच्छा तेणी से लांगुएज माइनोरीटी होता कि रिलीजन माइनोरीटी होता से कौन करेंगे नाकर कौन करें मानने एजुकेशनल इनट्यूशन एस्टाब्लीश आउ एडमिनिस्टर करें हिसाब से जिनस कर रोकवे ना अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस द रिलीजियस माइनोरीटीज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 17.4% रिलीजियस माइनॉरिटी केत परसेंट थी ना 17.4% ता भितर क्रिश्चियन थी 2.4% सिख थी 2% बुद्धिस्ट थी 0.7% जैन थी 0.5% आउ होम अफेयर हाव आइडेंटिफाइड मुस्लिम एंड नियो बुद्धिस्ट आज एजुकेशनल बैकवर्ड आर्ट ऑफ नेशनल लेवल तुम देख मुस्लिम जो मैंने थे और नियो बुद्धिस्ट जो मैंने थे से एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड थे देन आसला उर्दू डिक्लेयर्ड एज द सेकेंड स्टेट लैंग्वेज इन 8 डिस्ट्रिक्ट उर्दू कौन होता ना 8 डिस्ट्रिक्ट कौन होता ना सेकेंड स्टेट लैंग्वेज बोलिका आमर कौन होता ना डिक्लेयर कराइला एवं देख स्ट्राटेजीज विदिन द क्लासरूम दैट आक्ट एज द एजुकेशनल प्रोविजन स्पेशली मेन्ट फर द गर्ल्स एजुकेशन वुमेन एजुकेशन प्रमोशन ये जिनस पाने एबे तुम्हें माने देखो एटा आमर से ही लिखा हे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे लिखा हे आदि शॉर्ट नोट पड़ जाए वुमेन एजुकेशन प्रमोशन उपर तुम ये लिखो कि असुविधा ना रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग द टीचर्स हू आर सेंसिटिव टू जेंडर एंड चाइल्ड राइट एंड प्लेइंग देम ए रेगुलर लिविंग वेज माने जो टीचर माने जेंडर पाई माने समवेदनशील होते माने से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करून थे मेल और फीमेल उभय जेंडर को भल पाथे से तुम्हें कौन कर ट्रेनिंग दबो देन आसिबो प्रमोशन करिबो कौन ना हेल्थ इन स्कूल माने फीमेल मानी स्पेशली जमती कि जो जमती कि कैशोरी जो कौन हाइजीन जोटा थाए माने जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल को केमती रेगुलेट करमती हाइजीन रखा जो मैंने मानने एडोलेसेंट पीरियड अच्छा जेहेतु दे आर माने कौन माने माँ हबार प्रोसेसटा कौन ना माने यूट्रस आउ ओवरी एगुड़ा सब डेवलप होने धीरे धीरे भविष्य में जाकि गोटे बेबी क्यारी करेंगे जब भी बाहर हे गोटे बेबी क्यारी करेंगे सो तांको हेल्थ टे जमी भल रु तक तो आम आने हेल्थ पर सबकिपरि कि आवेयर तो एवं तो स्कूल मानक सानिटरी नैपकिन्स भी दि जाऊ प्लस मानने अंगनवाड़ी मानक किशोरी मान को जो मैंने सब अच्छा किशोरी जो मैंने सब अच्छा अप टू द एज ऑफ आई गेस 21 से मानक सब 21 और 18 से मानक दि जाऊँगी जो कौन बुट सोयाबीन अंडा आउ कौन सब खाइबा जिनस दि जाऊँगी सो दैट से हेल्थ ठीक रो देन आसला स्पोर्ट्स एजुकेशन को स्कूल तुम डेवलप कर एलिमिनेट कर जेंडर वाइज तुम टेक्सट बुक हो लर्णिंग मटेरियल जो जेंडर वाइज रखी अच्छी हटा जीव माने जमती थाए जे माँ बसिक पर काटती बापा ऑफिस जाती एगुड़ा कह जाए जेंडर वाइज बुझुच जे माँ कहीं ऑफिस जा पार नए माँ भी ऑफिस जाऊँ बापा भी ऑफिस जाऊँ मिसिकी घरे काम करमती जिनस कहीं कराऊनि तुम्हें देखि गोटे बही थ चित्र जे झीटे डल रे खेलु पुओटे कार्रे खेलु एमती जो जिन अच्छी एगुड़ाक सब जमी न रो देन आसा टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज पिलाकर जो लांगुएज जो भाषा से मैंने बुझुचे ही पाठ पढ़ेगा उचित देन आसा गैदरी जेंडर स्पेसीफिक स्टाटिस्टिक्स जो गुड़ाक जेंडर स्पेसीफिक स्टाटिस्टिक्स अच्छे गैदर कर इनफर्मेसन कलेक्ट कर यही सेनसस अनुसार जनगणना अनुसार फिमेल मानकर एजुकेशन रेशियो मेल मान सरी फिमेल मानक लिटरेसी रेट मेल मान तुलन में केमिता थी कौन डेवलपमेंट कौन है रियल स्टाटिस्टिक्स जो गुड़ाक उठे प्रोवाइडिंग इयरली चाइल्डहुड प्रोग्राम जो मैंने सबू पिला माने अछंती 0 रु 6 वर्ष पर्यंत अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम से मानन को पाई के करा जिवो माने से मानन को हेल्थ रो केमती जत्न निया जिवो से मानन को केमती टीकाकरण करा जिवो से मानन को केमती रोगमुक्त रखा जिवो सेति पई चिंता करा जिवो देन आसला मेकिंग श्योर गर्ल्स एंड बॉयज आर सेफ
तुम्हें ए कर जमी गर्ल आउ बयज जो मैंने अच्छा से सेफ रुहतु देन आसा लोकेटिंग द स्कूल क्लोजर टू द चिल्ड्रेन्स होम तुम्हें तो जाच आमर नियम अच्छे एक किलोमीटर डिस्टेंस भितर सब एक किलोमीटर मुझे केजी लिखीदेली एक किलोमीटर डिस्टेंस भितर आम प्राइमरी स्कूल हम तीन किलोमीटर डिस्टेंस भितर हाई स्कूल हम तो सैया देन आसा सप्लाइंग सेफ वाटर एंड लैट्रिन्स पिलामानंकर पिलामाने माने तांकर जो एक्सक्रीटर प्रोसेसटा को केमिति भाबरे माने करि परिबे जदि तांको माय पाई के प्रॉपर व्यवस्था नथिबो सेति माय लैट्रिन दिबो आ प्रॉपर वाटर इनटेक पाई के तांको पाखरे थिबो माने सप्लाई दिबो भलो वाटर एबे पिला माने देखो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन रिजर्वेशन वुमेन एजुकेशन कैटेगरी रे एटा भी जाउची माने लिखिबो जतबेले लॉन्ग क्वेश्चन एटा को बी लिखिबो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन रिजर्वेशन देखो के जी बी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आम आगुरी थे पढ़ले के जी बी भी आर रेसीडेल अपर प्राइमरी स्कूल फर गर्ल्स फ्रम एससी एस टी ओबीसी एंड मुसलिम कम्युनिटी है तो यही कम्युनिटी जब तुम बिलंग करुचे तुम्हें के जी बी भी आडमिशन नहीं पार अपर प्राइमरी यहाँ हूँ अपर प्राइमरी स्कूल प्राइमरी है एक रु पाँच अपर प्राइमरी है छः रु आठ मन रख देन आसा ड्यूरी 2012-13 द टार्गेटेड एनरोलमेंट इज 373,000 ऑफ गर्ल्स हेला टार्गेट एनरोलमेंट थी एत झील आम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती करवा दिस् बिंग इम्प्लीमेंटेड इन 27 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज यहाँ के इम्प्लीमेंट हो 27 स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इम्प्लीमेंट हो 2004 मसीह ये देन आसला सर्वशिक्षा अभियान जोटा अच्छे ये 2001 मसीह पे आगला जो 6-14 वर्ष पाने जो मैंने अच्छा से स्कूल को पठा जाए ठीक अच्छे 2003 सुधा समस्त जमी स्कूल एनरोल हो जाए एव्री चाइल्ड विल इन कम्प्लीट 5 ईयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय 2007 2003 सुधा समस्ते एनरोल हो 2007 सुधा समस्ते 1-5 क्लास पर्यंतर एजुकेशन छाड़ीदे एव्री चाइल्ड विल कम्प्लीट 8 ईयर ऑफ स्कूलिंग बाय द ईयर ऑफ 2010 माने 2010 सुधा समस्ते 1-8 क्लास पर्यंतर एजुकेशन समाप्त करदे एलिमेंटरी एजुकेशन ऑन सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन तो दिजाव गुणात्मक शिक्षा दिजाव माने तार क्वालिटी भल थी एमती नहीं पिला रट हक पढ़ाई दिव्य नहीं भलि पढ़ाई थी यूनिवर्सल रिटेंशन माने जिते पिला स्कूल पशुचार से निज एजुकेशन न सर पर्यटन ड्रप आउट हो पारे ना से फेल हे ना यूनिवर्सल रिटेंशन हम के 2010 सुधा समस्ते स्कूल रिटेन होकर रही थे कहीं भी ड्रप आउट करें एवं देख एस एस आर किसी कम थी आम मानने जैकपॉट जे आमर डायग्रामटा अच्छे एस एस आर काम कौन थी ना ड्रप आउट गुड़ाक रिड्यूस करवा ड्रप आउट मैंने कहली जे गोटे कोर्स अधा छाड़िकी जीव ना तुम से कोर्स सर पर्यटन तुम्हें से पढ़व जदि अधा छाड़ू छाड़गल आगला ड्रप आउट सो पिला आगुरी अधरु छाड़ी पलि जाऊ सो एस एस आर स्कीम काम है जो मैंने सब कम करुवे से सचेतन करेंगे पिलाज पे कौन कोर्स इनकम्प्लीट छाड़ी न जातु बुझल कि देन आसला कौन मेन स्ट्रीमिंग गर्ल्स जेंडर गैप गोटे बड़ जिनस पुओ मानक एजुकेट कर झीओ मानक छड़ा जाऊ नाला पाठ पढ़ापी झीओ मानक ड्रप आउट रेट बेस अधिक को बंद कर मेन स्ट्रीम कर गर्ल्स मानक सबू झी मैंने पढ़ार सुजोग पाइबे वंचित होबेनि डिस्क्रिमिनेशन हेनी जी जो जाति धर्म वर्ण लिंग व हैंडिकैप जो कैटेगोरी होना कहीं ताको आम डिस्क्रिमिनेट करिवानी एजुकेशन में इंश्योरिंग अटेंडेंस एंड रिटेंशन सब पिला माने स्कूल को आसिबे एनरोल हेबे से मानकर अटेंडेंस निए जिवो आउ से माने कोर्स सरीबा पर्यंत रिटेन हेके रहिबे माने स्थिर भाबरे रहिबे देन आसिला कौन होगा ना गोटे किलोमीटर गैप रे तुम प्राइमरी स्कूल हम 3 किलोमीटर गैप रे तुम हाई स्कूल हम यहाँ मुझे अलरेडी कहीदे देन आसा 50% मेल टीचर रे सपोज गोटे स्कूल 8 जन टीचर अच्छा 4 जन नि फीमेल टीचर तुम रे कहे मेल फीमेल टीचर रे सेपरेट टॉयलेट व्यवस्था हो बॉयज मानी अलग गर्ल्स मानी अलग एवं देख पे नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एजुकेशन एट एलिमेंटरी लेवल यही तुम वुमेन एजुकेशन कैटेगरी आसो किसी भी 5 मार्किया पढ़ी पारे तो वुमेन एजुकेशन निजे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी पारे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक टे तो से कहीं भी मिस करना
है समस्ते जमी लिखिके आसो आ सबुठ इम्पोर्टाट जिन पे ये जिन गुड़ाक ना ना एगुड़ाक हूँ तुम ओटीटी ओस्टेट यू जो परीक्षा गुड़ाक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा आसो सी पड़ो देखुथ देन आसला द एनपीई द एनपीई जीईएल लॉन्च्ड इन 2003 इज इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स जो मैंने एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक अच्छा ब्लॉक गुड़ाक सपोज आम घर आम सपोज ये गोटे ब्लॉक अच्छे नियाली ब्लॉक गोटे ब्लॉक अच्छे तुम कौन आ गए ब्लॉक अच्छे लेट्स से केन्दूर गोटे ब्लॉक कहि धर सहारपड़ा ब्लॉक कि जोड़ा बोली गोटे ब्लॉक अच्छे कि कलाहांडीर जब गोटे ब्लॉक कहि गोलामुंडा ब्लॉक है मोर गोटे सांग अच्छे से रहे गोलामुंडा सो एमती जो ब्लॉक गुड़ाक मुझे तुमको कहबी ब्लॉक गुड़ाक जो गुड़ाक एजुकेशनली जो मैंने बैकवर्ड से एनपीई जीएल लागू है केवे ना 2003 दिस एड्रेस द नीड्स ऑफ द गर्ल्स हु आर इन एंड आउट ऑफ स्कूल जो मैंने स्कूल अच्छा जो मैंने स्कूल से मैंने ये प्रोग्रामा कौन कला ना एड्रेस कला चिन्हला जे ये घर चार्टा झील अच्छा कई जन स्कूल अच्छा कई जन ना बुझु से भाया कथा देन आसला दिस एम्फासाइजेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स टू रिकॉग्नाइज सच गर्ल्स हैव अ स्पेशल अटेंशन टू द प्रिवेंट ड्रॉपिंग आउट जो झील मैंने सब स्कूल अच्छा से मेरे स्पेशल अटेंशन दि जाऊ जमी ड्रॉपिंग ड्रॉप आउट न हूँ आउ जो मैंने मैंने स्कूल बाहर अच्छा मैंने स्कूल जाऊना से जब रिटर्न हे स्कूल से ध्यान दि जाऊ जमी मिडिल ऑफ द कोर्स ड्रॉप आउट न हो जातु देन तापर आसला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसा मुझे तुमको कही बहुत सारा प्रोग्राम होता एजुकेशनल ताभर रामसा गोटे 2009 आसला यार काम कौन थी ना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट है केवे 2009-2010 भितर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट है यार फास्ट काम थी जे आमर कौन करवा ना एनरोलमेंट रेट बढ़ेगा रामसार फुल फॉर्म पे मैंने कौन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यहाँपी काम कर जान सर्वशिक्षा अभियान जमी प्राइमरी स्कूल काम करता ये सेमती सेकेंडरी स्कूल मैंने 9-10 क्लास काम करता यार काम थी अचीवमेंट एनरोलमेंट रेट को 75% को बढ़ेगा से आम 2005-06 सुधा रेट के 52.26% यहीटा को जो 2009-10 प्रोग्रामा इम्प्लीमेंट है स्कीम इम्प्लीमेंट है टारगेट कला जीटा को मुझे बढ़ेबी 75% जाए आउपर से कौन हम ना इम्पोर्टेंट फिजिकल फैसिलिटीज किसी रमीक रोजे आडिशनाल क्लासरूम रोटे दुटा सपोज गोटे क्लासरूम पा गला कि गोटे क्लासरूम मैंने किसी कारण अक्युपाइड रहा से क्लासरूम आउ गोटे क्लासरूम लैबोरेटरीज लाइब्रेरीज टॉयलेट ब्लॉक गुड़ाक सब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी रेसिडेंशियल हॉस्टल स्पेशली टीचर मानी जो मैंने रिमोट एरिया अच्छा देन आसला जनशाला प्रोग्राम है पे देख बहुत इंपोर्टेंट प्रोग्राम यहाँ मैंने इंपोर्टेंट फॉर ओटीटी ओस्टेट प्रोस्पेक्टिव मन रख पे तुम टारगेट केवल 90-80% आनवा नुहे तुम एग्जाम सेमिस्टर एग्जाम बिकज ताको कहीं भी पचारती कौन ना तुम ओटीटी क्वालिफाई कर स्टेट क्वालिफाई कर कि ना सीटीटी क्वालिफाई कर कि ना एगुड़ाक जब तुम क्वालिफाई कर तुम पचे 90% रखी था तुमको कहीं साय करेंगे ना जो कौन कौन भी टीचरशिप एग्जाम कहीं भी तुमको तुम पीठ से पढ़े ना कि कहीं भी तुमको साय करेंगे ना सो से कि ये जिनस बेस तुम्हें मैंने गुरुत्व दि या तुमको मानते कौन एडवाइस करी ओके देख जनशाला प्रोग्राम पे देख जनशाला प्रोग्राम इज कोलाबोरेटिव एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 5 यूएन एजेंसीज पे बहुत इंपोर्टेंट ये लाइनटा मानने तुम जो टी गुड़ाक देन आसला यूएनडीपी यूएन आई मानने यूनिसेफ यूनेस्को आईएलओ यूने अनपेप टू प्रोवाइड द प्रोग्राम सपोर्ट डी रोज सपोर्ट टू द गोइंग एफर्ट ऑफ अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन माने एलिमेंटरी एजुकेशन को सार्वजनीन करने जनशाला प्रोग्राम रो बहुत इंपोर्टेंस रही देन आसला कौन दिस इज ए कम्युनिटी बेस्ड प्राइमेरी एजुकेटिंग प्रोग्राम एस्पेशली फर गर्ल्स एसटीएसटीज एंड माइनोरीटी डिप्राइव्ड कम्युनिटी चिल्ड्रेन विथ स्पेसीफिक निड्स जो मैंने भी डिप्राइव्ड कम्युनिटी अच्छा एससीएसटी अच्छा जो मैंने स्पेशल निड्रे अच्छा से एजुकेट करने कौन करवस्थाटा को ग्रहण करके पे पे जदि तुम्हें सेकेंड सेमिस्टर मटेरियल गुड़ाक पाइबा चाहू कोर्स जॉइन करा चाहू तेल यहीटा हूँ व्हाट्सएप नंबर यही नंबर में मत व्हाट्सएप कर मेसेज आउ कहीं भी कॉल करना तुमको मानने मोर आप्लिकेसन अर्पिता मैम ऑफिशियल जोटा
प्ले स्टोर आभेलेबल अच्छी से कोर्स जॉइन करार उपाय मुझे बतईदेवि आउक जदि तुम्हें सीरीयसली डेडिकेटेडली टीचरटे हाँ चाहू तो पेडागोजी गोटे इंपोर्टाट सब्जेक्ट तुम मैं पेडागोजी हैंडबुक मुझे गोटे अनल प्रिपेयर करी जोटा कि एस एस बी टी टी एल टी आर आर एस टी ओस्टेड सी टी टी ओ टी टी बहुत इंपोर्टाट एवं तुम्हें देख सी टी टी नोटिफिकेशन आउट हो अति कम दिन भितर ओस्टेड नोटिफिकेशन भी आउट हो बिकज ए दुटा जाक तुम शीतदिनिया परीक्षा मानने शीतदिन परीक्षा गुड़ाक हुए ओ टी टी परीक्षा पे आउ थे भी आसवाक जाऊँगी सो से निज माइंड मेकअप कर जे आमको ए प्रिपेयर होबार अच्छी जदि तुम ओस्टेड प्रिपेयर हो 50 मार्क तुम मो मटेरियल आसो जदि तुम सी टी टी कि ओ टी टी प्रिपेयर हो 70 मार्क तुम मो मटेरियल आसो मुझको प्राय 10,000 अधिक एम सी क्यू कर पे प्लस ओडिशा जिते गुड़े बर्तमान पर्यटन टीचरशिप वाला एग्जाम हो सबुर प्रिवियस इयर क्वेश्चन विथ आंसर मुझ वीडियो एक्सप्लेनेशन मध्यम तुमको पढ़ेबि यही मटेरियल भी तुमने पाइब ओनली 200 रुपीज रे सेटा होची मोर एप्लीकेशन रे विथ वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट रे सबु किछ जिंस अछि आउ डाउट क्लियरिंग जहाँ भी तुमर थिबो मते पचारले मु तार वीडियो तुमको बनेकी निश्चिंत भाबरे देबी तुमने जानिछ मु जदि कमिटमेंट करथाय मु सेटा रखे आउ एमती नाही जे माने ठकीबा काम मु केबे करिनी सो मटेरियल रे किछ ग्लिम्प मु तुमको देखै दोउछि बढ़िया भाबे बुलेट पॉइंट रे शॉर्टकट रे सबु किछ जिंस पिला माने लेखा अछि तुमे माने देखिनी होय मटेरियल मो हैंड रिटन किछ किछ जिंस भी अछि जो गुडा को तुमको हेल्प हम सो देख बहुत बढ़िया कि सबकि जिन पाने अच्छी तुमकें कि मुझे से जिन देखेदे देख बहुत किसी जिनस अच्छे सबकि जिन तो अच्छे है तो तुम मानक मेटेरियाल डेफिनेटली हेल्प कर यही सब कनसेप्ट ही पे बहुत सारा क्वेश्चन आम आसी जाए मुझे तुमको कहली बहुत सारा क्वेश्चन आसी जाए देख सबकि जिन सर्टकट करी बढ़िया कि क्रिस्प वे तुम लिखाई देखी दि तो तुमने आउक ये देख क्वेश्चन भी अच्छे हेला क्वेश्चन से आंसर अच्छे बहुत गुड़े क्वेश्चन आंसर ना जो गुड़ाक तुम कर वीडियो सॉल्यूशन तार अच्छी तादर तुम आंसर गुड़ाक तुम चेक करई पार सो बहुत इंपोर्टेंट मटेरियल बहुत कम प्राइस रे तुमको मिलूची जो गुड़ाक तुम चाकरी कला पर्यंत तुमको ये कोर्स सहाय कर तुम डाउनलोड कर तुम आप्लिकेसन अफलाइन रखी पढ़ किसी असुविधा हेनी तुम से सो मत व्हाट्सअप कम्युनिकेट मानते कंटाक्ट कर जो जो मैंने भी कंटाक्ट कर चाहते दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर डोंट कॉल मुझ कॉल के रिसीव कर सो आउ टाइम वेस्ट न करी चलंतु पढ़िबा एबे केंद्रीय विद्यालय पिलाने स्टार्ट करिबा 15% एंड 7.5% सीट्स आर रिजर्वड इन एस सी एस टी एंड रेस्पेक्टिवली इन एस सी एंड एस टीज इन रेस्पेक्टिवली इन फ्रेस्ड एडमिशन पिलाने सुनो 15% थाए आमर एस सी मानक रिजर्वेशन आउ 7.5 थाए एस टी मानक रिजर्वेशन केन्द्रीय विद्यालय मानक केन्द्रीय विद्यालय गुड़ाक कहीं एस्टाब्लीश होता है तार लक्ष्य कौन केन्द्रीय विद्यालय पिलाने जो सब रूराल टैलेंट अच्छा रूराल रूराल एरिया जो जो टैलेंटेड पिलाने सॉरी भूल कहली केन्द्रीय विद्यालय कौन पर हुए ना जो मैंने सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छा वर्ष सारा से ट्रांसफर होता है वर्षर कोई टाइम भी ट्रांसफर हो जाए जदि ट्रांसफर है छुआ पुणी पाठ कमी पढ़े से केन्द्रीय विद्यालय मानक जाए एडमिशन नहीं कि पाठ पढ़ती आउ से भी कौन होता है ना सीट रिजर्वेशन थाए जदि तुम एस सी होती 15% आज तुम एस टी होती 7.5% थाए आदि तुम जो एरिया अच्छी तुम स्कूल से मैंने एस टी मानक संख्या बहुत अधिका एस सी मैंने बहुत कम ताल रिजर्वेशन सीटा व्यारि कर देन आसा नवोदय विद्यालय देख पे नवोदय विद्यालय कौन पर होता है ना रूराल टैलेंटेड पाला होता है पंचम श्रेणी गोटे नवोदय परीक्षा दि तुम जदि तुम पास कर जाकि तुम्हें षठ से नवोदय स्कूल एडमिशन हुआ आउ नवोदय स्कूल सीबीएसई बोर्ड रे सीबीएसई बोर्ड अंडर नवोदय स्कूल गुड़ाक आसे सो ये कौन हुए ना रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रेन अफ द एस सी एंड एस टी इन प्रपोर्शन टू देयर पपुलेसन इन द कनसर्न डिस्ट्रिक्ट आर प्रोवाइडेड बाय सच नंबर अफ रिस्ट्रिक्शन मैंने तुम्हें जो डिस्ट्रिक्ट तुम एनबीटा अच्छी नवोदय विद्यालय अच्छी तुम से मानने से एरिया केसेंट रोच मानने ये पिला हेला बुझ एस सी एस टी पिला के परसेंट रोचान से अनुसार कौन हम ना परसेंटेज डिसाइड हम जो परसेंटेज रिजर्वेशन दबा आगुरी किसी डिसाइड हो देन आसला मनी सॉरी माइनॉरिटी एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशन पाई आमर जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी एनपी 1986 जोटा कि आमर परवर्त समय अपडेट बा मॉडिफाई होगी पीओए 1992 से कौन है ना मोर अटेंशन दि जाइए माइनॉरिटी एजुकेशन उपरे पीओए जोटा 1992 सीए कहला कौन ना इंटेनसीव प्रोग्राम आम कर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी जो मैंने से जमीक आम पढ़ले मुस्लिम आउ नियो बुद्धिज्म जो मैंने अच्छा से एक्सट्रीमली बैकवर्ड अच्छा
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନରେ। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ 1992 ମସିହାରେ। ଦିସ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ମଦ୍ରାସା ଏଜୁକେସନ। ମଦ୍ରାସା ଏଜୁକେସନ୍ କାହାର? ମଦ୍ରାସା ମକ୍ତବ। ଏ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ଆମର ମୁସଲିମମାନଙ୍କର। ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ସରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ଇସଲାମିକ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ସେଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ 1993-1994 କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବା ଯେ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖ, ଓମାନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଗର୍ଲସ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ପୁର୍ଦ୍ଧା ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇକି ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସାରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ବି ରଖେ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଗର୍ଲସ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଗର୍ଲ ଏଜୁକେସନ୍ରେ? ଓମାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ୱୁମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର, କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡର ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଇକ୍ୱାଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ରଖାଯାଏ। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଗୁଡ଼ାକ ଚୁଲି ଚୌକାରେ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପେବଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଉନି ନିଜ ଷ୍ଟେରୋଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ। ସୋ ସୋସାଇଟିର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ଟେ କମେଇଲା ଗୋଟେ ଘରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ଧର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କମାଉଛି, ଚାରିଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କମେଇଲେ ଚାରିଜଣ ଖାଇଲେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଦେଶର ବି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ଦେଶରେ ଧର 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଉ 50% ଲୋକ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇକୋନୋମି ବି ଆମର କମୁଛି ନା, ମାନେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରିବା ଦରକାର। ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ। ଯଦି ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଲ ଅର୍ଡ଼ର ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହା ହେଇନୁ। ତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଯାହା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁକି ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ। ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ କରପ୍ସନ୍, ଯାହା ବି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଭାବିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ମାନେ କରପ୍ସନ୍ ଯାହା ହେଉଛି, ମାନେ ହଁ 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 ତମେ ଦେଇଦିଅ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ରୁକି ହେବ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ବି କମିବ। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି 50% ଫିମେଲ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ମାନେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଏଉଠୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସେବଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱୁମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ସୋ ଆମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ଟା ଟୋଟାଲି ସରିଗଲା। ସୋ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନୋଟ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବି, ସେଠୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ନେଇକି ମୋତେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିଦେବି। ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟିଚର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଟିଚର୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେଡିକେଟେଡ଼। ମାନେ ସେଠି ବେଟର୍ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବେଟର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କି ବେଟର୍ ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବା, ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ମୋ କ୍ଲାସେସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେଠି ଦେଇଦେଇଥାଏ। ସୋ ଆପଣମାନେ ବେଟର୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।